हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इन क्लास 11 कॉमर्स वी आर स्टडिंग अबाउट द जर्नल एंट्री एंड टुडे आवर टॉपिक इज व्हेन द बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज सेंट टू बैंक फॉर द कलेक्शन। सपोज यू हैव ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज और यू बिल्स रिसीवेबल एंड यू वांट टू सेंड इट टू बैंक फॉर कलेक्शन। यू डोंट वांट टू कीप इट एट योर सेल्फ अप टू द मेच्योरिटी, डेट ऑफ मेच्योरिटी। सो इन दिस टॉपिक वी विल स्टडी दिस टॉपिक। ओके, तो टॉपिक हम लोग का कुछ इज द व्हेन द बिल्स इज सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। तो आप इसको स्टडी करें तो ड्रायर ऑफ द बिल मे रिटेन द बिल टिल द मेच्योरिटी डेट एंड गेट इट पेमेंट ऑन द ड्यू डेट। तो ड्रायर के पास ऑप्शन होता है कि वह उसको या तो डेट ऑफ मेच्योरिटी के पास तक, वो अपने पास इसको डेट ऑफ मेच्योरिटी तक उसके खुद अपने पास रखे और उसका पेमेंट ले ले। टू इंश्योर द सेफ्टी ड्रॉअर मे गिव द बिल टू द हिज बैंकर विथ द इंस्ट्रक्शन दैट इट इज़ टू बी रिटेन बाय द बैंक एंड पेमेंट टू बी कलेक्टेड ऑन ड्यू डेट। तो बैंक के पास वो क्या करता है, उसको भेज देता है और बैंक को इंस्ट्रक्शन देता है कि जब इसकी ड्यू डेट आया तो आप उसका कलेक्शन कर ले। अंडर दिस सर्कमस्टांसेस तो ड्रायर और ड्रायर के पास क्या एंट्री होती है, तो अब हम लोग उसको देखते हैं। इनकेस सपोज व्हेन द बिल इज सेंड फॉर कलेक्शन, सपोज करो ये ड्रायर एक्स है, एक्स इस केस में ड्रायर है, तो एक्स ने बिल वाई यहाँ पर ड्राई है, तो बैंक के पास एक्स ने बिल भेज दिया है। तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बीआर, ठीक है, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट को डेबिट कर दिया उसने और टू बीआर कर देगा। यहाँ पे नरेशन देखें, नरेशन में लिखा है बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। ओके, तो इस कंडीशन में बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट को हम लोग डेबिट कर देंगे टू बीआर, हमारे पास से जा रहा है बिल्स रिसीवेबल। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट के अकॉर्डिंग रूल से देखें तो बिल्स रिसीवेबल जा रहा है इसलिए इसको क्रेडिट कर दिया गया, और बिल सेंड फॉर कलेक्शन इस हेड को हमने डेबिट किया इसलिए क्योंकि बैंक के पास ये जा रहा है। ठीक है, इस कंडीशन में जिस डेट को भी वो भेजेगा उस डेट में तो ड्राई को तो पता है नहीं, इसलिए ड्राई के वहाँ नो एंट्री होगा। ठीक है, अब इन केस व्हेन द बिल इज एक्चुअली कलेक्टेड बाय द बैंक, अब बिल अगर ड्यू डेट पे कलेक्शन हो जाए तो उस कंडीशन में क्या हो एंट्री होगा, व्हेन द बिल इज़ कलेक्टेड बाय द बैंक, तो इस कंडीशन में बैंक के थ्रू मुझे पैसा मिल जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, मेरा बैंक का बैलेंस बढ़ जाए तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा बिल सेंड फॉर कलेक्शन। तो किस सोर्स से मुझे आ रहा पैसा, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, जो बिल कलेक्टेड बाय द बैंक जिसको मैंने बैंक के पास भेजा था उस सोर्स से मुझे इनकम रिसीव हो रहा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। ठीक है, अब ड्यू डेट पे मिस्टर वाई क्या करेंगे, मिस्टर वाई करेंगे बिल्स पेबल उनके पास आ जाएगा, तो बिल्स रिसीवेबल उनके पास आके बिल्स पेबल हो जाता है, तो बिल्स पेबल वो रिसीव कर लेंगे और इसका पेमेंट कर देंगे, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक कर देंगे। यहाँ पर जाएगा जनरल एंट्री बीपी डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके स्टूडेंट, तो लेट सी वन एग्जाम्पल ऑन दिस टॉपिक। हेलो स्टूडेंट, तो लेट सी वन इलस्ट्रेशन ऑन द बेस ऑफ बिल सेंड फॉर कलेक्शन। तो इलस्ट्रेशन हम लोग का कुछ इस तरीके से, ऑन 1 मई 2018 पी सोल्ड गुड टू क्यू फॉर 7,500। ऑन द सेम डेट द ही ड्यू ए बिल ऑन क्यू फॉर अमाउंट एट 3 months। क्यू एक्सेप्टेड इट एंड द रिटर्न इट टू द पी, ही रिटर्न द बिल टिल द ड्यू डेट एंड सेंड द बिल टू द बैंकर फॉर द कलेक्शन ऑन 1 अगस्त 2018 को। इन द ड्यू कोर्स पी गॉट द इंफॉर्मेशन फ्राम द बैंक दैट द बिल वॉज ड्यूली मेड। ठीक है, पास द जनरल एंट्री। इस कंडीशन में देखें तो 1 मई को उसने क्या किया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखा गया है। ठीक है, अब उसने सेंड कर दिया किसके पास, क्यू ने एक्सेप्टेंस दे दिया, रिटेन द बिल टू द ड्यू डेट, बिल को ड्यू डेट तक वो अपने पास रखता है और वो क्या करना है, 1 अगस्त को क्या करता है, वो 1 अगस्त को वो बैंक को भेज देता है फॉर कलेक्शन के लिए। ठीक है, तो अगर 1 मई से देखें तो 1 अगस्त 3 महीने अगर ऐड करें तो 1 अगस्त 1 मई
मई जून जुलाई अगस्त, यानी कि 1 अगस्त को 3 मंथ हो जा रहे हैं, 3 मंथ हो जा रहे हैं, तो ड्यू डेट तक तो अपने पास रखता, फिर वो बैंक को भेज देता है कलेक्शन के लिए, और 3 दिन के अंदर उसे बैंक से पेमेंट मिल जाता है। तो इस कंडीशन में जर्नल एंट्री क्या होगा, हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, तो पहला जर्नल एंट्री हमारा हो जाएगा इस कंडीशन में, देखें तो क्यू, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सेल कंडीशन होना चाहिए कि यहाँ पे क्रेडिट सेल होना चाहिए, जो कि कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा इन द बुक्स ऑफ पी, पी ने क्यू को सेल किया, तो क्यू अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 7500 का। और सेम डेट पे अपने वहाँ जो मिस्टर क्यू हैं, ये क्या एंट्री करेंगे, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू पी, इस कंडीशन में ये करेंगे एंट्री, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू पी। और ये क्या एंट्री करेंगे, मिस्टर पी के बुक में क्या होगा, क्यू डेबिट टू सेल्स, और मिस्टर क्यू के बुक में क्या होगा, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू पी। ठीक है, अब 1 मई को इसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज मिल जाएगा, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज पेमेंट कर देगा। 1 मई को इसने बिल्स ऑफ एक्सचेंज बिल्स रिसीवेबल दिया, तो पी डेबिट टू बिल्स पेबल, पी को दिया, तो पी अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो बिल्स पेबल अकाउंट को क्रेडिट हो जाएगा, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। अब इसके 1 मई को बिल्स इनके पास रिसीव हो जाएगा, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू क्यू, क्यू से मिलने वाला है, तो क्यू को क्रेडिट कर देंगे इस कंडीशन में। हम लोग की थर्ड जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, 1 अगस्त को उसने क्या किया, बिल सेंड कर दिया बैंक के पास कलेक्शन के लिए, तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट हो जाएगा 7500 से, और बिल्स हमारा चला जा रहा है, तो बिल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, बिल्स सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो इस डेट की 1 अगस्त की जनरल एंट्री यहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि इसको ड्राई को तो पता नहीं कि बिल्स आपने आपके पास है या फिर आपने बैंक के पास भेजा है। अब ड्यू डेट इसकी आ जाएगी, 1 डे को डेट ऑफ मेच्योरिटी है, इसमें 3 डेज अगर डेज ऑफ ग्रेस अगर 3 डेज अगर इसमें हम लोग ऐड कर दें, तो इस कंडीशन में 4 अगस्त को इसकी डेट ऑफ पेमेंट हो जाएगा। तो बैंक वाला जो बैंक का बंदा है, वो बैंक से कलेक्शन करेगा और इनके अकाउंट में क्रेडिट कर देगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट पी के वहाँ जनरल एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक का बैलेंस इनका बढ़ जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट, और 4th में ही ये बिल्स का पेमेंट कर देगा जो मिस्टर क्यू है। तो क्यू क्या करेगा अपने वहाँ, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इस तरीके से ये पूरी जर्नल एंट्री कंप्लीट होती है। तो स्टूडेंट ट्राई टू अंडरस्टैंड द टॉपिक एंड द जर्नल एंट्री बिहाइंड इट, डोंट ट्राई टू क्रैम द और थॉरली क्रैम द जर्नल एंट्री। इफ़ यू आर अनेबल टू क्रैम, इफ़ यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड दैट लॉजिक बिहाइंड द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, यू आर नॉट एबल टू डू द प्रैक्टिकल क्वेश्चन, सो डू अंडरस्टैंड केयरफुली द जर्नल एंट्रीज। ओके स्टूडेंट।